ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की। पंजाब के मोगा से दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां पर एक नवविवाहिता की सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसके बीमार होने पर उसे कंबल नहीं दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात मृतिका बीमार हुई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इतनी कड़कड़ाती ठंड थी, कंबल मांगने के बावजूद उसे कंबल नहीं दिया गया उसके ससुराल वालों के द्वारा और उसकी ठंड से मौत हो गई। मृतिका के परिवार वालों का कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया है ससुराल वालों ने, और ये भी बताया जा रहा है कि मामला दहेज का है। कहा जा रहा है कि शादी के वक्त भी अच्छा खासा दहेज दिया गया था मृतिका के परिवार वालों ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो मृतिका के साथ अत्याचार करते थे। पूरे मामले की तफ्तीश अभी होनी बाकी है। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 24-25 ਸਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਗਿਆਣਾ ਬਸਤੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। एक तरफ सरकार, एक तरफ देश के नेता महिलाओं और बेटियों के साथ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने की बात करती है, वहीं हर रोज इस तरह के मामले सामने आते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह हमारी देश की बेटियां, देश की महिलाएं मरती रहेंगी और कब तक जो है वो गुनहगार खुलेआम घूमते रहेंगे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।